Okay, fine. So, uh, articles are very, very important for uh, writing and speaking both. So, if you're appearing for ILDS academic module or general module, you'll be required to speak and you're also required to write an essay, letter, or graph. Okay, one last time. Is my voice audible? Everybody? Okay, fine. Thank you so much. That's great. Okay, so, uh, i know that you know many of you are writing an essay and i can see that you know may, knowingly unknowingly you are committing lots of mistakes on article let me uh, repeat uh, the session of articles is going to be a very small session but this is going to be followed by advanced sessions of IELTS i'm going to take essay and then for uh, probably if time permits i may also take the reading part now how many of you know exactly uh, the concepts of articles is again a big question mark now uh, articles are not going to be that much important that much important in speaking because you know even if you commit mistakes in speaking i'm not saying that you should commit mistakes in speaking while uh, you know as far as articles are concerned but mostly mistakes that that is going to be more apparent is going to be in writing and i can see that you know when i when i check the essay uh, is that uh, most importantly uh, art articles it happens that you know कि बच्चों को पता भी नहीं चलता कि ये मिस्टेक्स हो गई है एंड लेट मी टेल यू यू रिपीटेड मिस्टेक्स विल नो लोअर डाउन योर बैंड ऑलमोस्ट पॉइंट फाइव और वन इन अंडरस्टैंडिंग वे टू यूज आर्टिकल्स और कहां पे आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल

एंड मैं चाहूंगा अभी आप बीच में चैटिंग ना करें इफ पॉसिबल ओनली यू नो वंस आई कंप्लीट द सेशन ऑफ आर्टिकल इफ यू गोट एनी डाउट्स आई यू नो एक्सपेक्ट चैटिंग फ्रॉम योर एंड बट हो सके ना अभी उसको सुकून से सुनिए ध्यान से सुनिए आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइन टू बी वेरी वेरी क्लियर ओके सो आर्टिकल्स में दो चीजों का देर आर सिक्स रूल्स फर्स्ट रूल इज यूज अन्सोनेट साउंड एंड यूज एन बिफोर वॉवल साउंड अब सर कॉन्सोनेंट साउंड है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं है कॉन्सोनेंट साउंड है और एन जो वॉवल्स है वो वॉवल्स भी साउंड है वर्ड्स नहीं है नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वॉवल्स देयर आर फाइव वॉवल्स आई होप यू पीपल नो दैट ए ई आई ओ एंड यू तो याद रखना है कि ए का इस्तेमाल आप कॉन्सोनेंट के आगे करोगे कॉन्सोनेंट के आगे करोगे और एन का इस्तेमाल आप करोगे के के साउंड आगे जहां पे जिसका स्टार्टिंग होता है ए ई आई ओ और यू नाउ लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक अ कैट अ डॉग अ बॉय अ गर्ल अ हाउस अ ट्री ये सारे के सारे जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो जाहिर है हम इसके आगे इस्तेमाल करेंगे अ का कैट है वो क से स्टार्ट होता है डॉग ड बॉय ब गर्ल ग हाउस ह ग्री टी तो ये सारे कॉन्सोन साउंड्स है एंड देर फॉर वी शु इज दूटिलाइज एंड नॉट एन दूसरा एन किसके आगे लगता है जिसके आगे वोवेल साउंड है वोवेल का मतलब ए ई आई ओ यू जैसे कि एन एप्पल एन एंजीनियर एन आइसक्रीम एन ओल्ड मैन एन एन अम्ब्रेला सिंपल सा लॉजिक दिमाग में डाल दो नाउ वी आर गोइन टू गो वन स्टेप फर्दर सर इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे एक्सरसाइज uh, करके बताए टेल मी वेर एक्जेटली आर गोइन टू यूटिलाइज टेल मी वेर यूर गुटिलाइज एन योर टाइम स्टार्ट ना आम ओनली टू गिव यू वन मिनट मेक इट फास्ट बिकॉज छे रूल्स है ये तो बहुत ईजी रूल है बट देक डिफिकल्टन एज वेल टेल मी वॉट आर यू गोइन टू यूटिलाईज अपने नोटबुक में वन टू टेन के आगे आई एम श्योर सारे लोगों में से एक आध दो गलतियां तो होगी ही होगी लेट मी सी आई एम गोइन टू गिव यून मिनट टेल मी वॉट यू आर गोइंट टू यूटिलाइज अ इस्तेमाल करोगे एन इन क्वेश्चन नंबर वन टू टेन लेटमी नो वेन यू आर डन जस्ट मिनट जल्दी इफ यर कमिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड आई वुड नॉट नॉट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू टेक आर्टिकल्स फॉर ग्रांटेड मैं खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ लेकिन आर्टिकल्स में मैं देख सकता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की भी बहुत गलतियां होती है सो प्लीज डोंट टेक इट याट आपको दिख रहा है सॉरी सॉरी सॉरी

भले ही स्टार्ट होता है ई e से बट बिकॉज इट इज से, इसका प्रोनंसिएशन जो है साउंड जो है वो वाई का निकलता है एंड दैट इज द रीजन आई एम नॉट यूटिलाइजिंग एन आई एम यूटिलाइजिंग ए आवर है भले एच से स्टार्ट होता है लेकिन मैंने बताया था कि साउंड इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन लेटर तो भले आर है लेकिन वो होता है इसका एच इज बेसिकली साइलेंट जो साउंड निकल के आता है वो ओ से है ये लास्ट मुझे लगता है काफी लोगों ने लास्ट में तो मिस्टेक की ही होगी काफी लोगों ने आ कर दिया होगा एम मतलब ए इन इंग्लिश बट इवन इफ आई स्पीक एम ए इन इंग्लिश इट्स एम ए एम मतलब ई से निकलता है इसका प्रोनाउंसिएशन या तो फिर उसका साउंड

ओके okay, ग्रेट ये आपका है पहला सेंटेंस ये आपका है पहला रूल ओके फाइन दिस इज द फर्स्ट रूल ओके नाउ प्लीज लेट मी यू नो री रिविजिट द थिंग्स दैट वी लर्न ए एंड एन पहले मैं बताना चाहूंगा आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू डेफिनेट आर्टिकल इन डेफिनेट आर्टिकल लेकिन जस्ट टू गिव यू स्मॉल ब्रीफ आउट ए एंड एन आर नोन एज इन डेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल लेकिन ये डेफिनेशन पर्याप्त तो नहीं है मेनी स्टूडेंट जो है इस्तेमाल होगा कॉन्सोनेंट साउंड के आगे और एन का इस्तेमाल होगा वॉवेल साउंड के आगे वॉवेल में साउंड है याद रखना है कि वोवेल इज नॉट वर्ड साउंड निकलना चाहिए इट शुड नॉट ओनली बी वर्ड तो ये पहला रूल नाउ रूल नंबर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एन ओनली विथ सिंगुलर काउंट डाउन नाउ आप आर्टिकल्स को अगर आपको ठीक करना है तो आप तीन चीजों का ध्यान रखिए यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ काउंट नाउन मतलब के सिंगुलर काउंट डाउन प्लुरल काउंट नाउन नॉन काउंट डाउन या तो फिर अनकाउंट डाउन हम नॉन काउंट डाउन भी कह सकते हैं और अनकाउंट डाउन भी कह सकते हैं सो आई रिपीट देर आर थ्री थिंग्स डेट यू नीड टू रिमेंबर फर्स्ट सिंगुलर काउंट डाउन प्लूरल काउंट डाउन और अनकाउंट डाउन क्योंकि ए एन और का पूरा लॉजिक जाता है इन तीनों चीज पे सो आई रिपीट सिंगुलर काउंट डाउन प्लुरल काउंट डाउन एन अनकाउंट डाउन तो पहले समझने की कोशिश करते बिफोर वी अंडरस्टैंड वे टू यूटिलाईज ए एन और धी तो यहां पर याद रखे ए और एन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप करोगे सिंगुलर काउंट डाउन के आगे आई रिपीट ए और एन यू आर ओनली गोइंग टू यूटिलाईज बिफोर सिंगुलर काउंट डाउन सर धी का इस्तेमाल कहां पर हो सकता है धी यू कैन यूटिलाईज बिफोर एनी थिंग याद रहे धी का इस्तेमाल आप कर सकते हो सिंगुलर काउंट डाउन के आगे लूरल काउंट डाउन के आगे और अनकाउंट डाउन के आगे भी लेकिन ए और एन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज बिफोर सिंगुलर काउंट डाउन ओनली इज इट क्लियर और नॉट बिफोर आई गो है

सिंगुलर काउंट नाउन के आगे ही होगा डी का इस्तेमाल आप सिंगुलर काउंट नाउन प्लूरल काउंट डाउन और अनकाउंट डाउन ये तीन ही चीज है उसके आगे होगा आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इस अब मैं समझाना चाहूंगा आपके सर सिंगुलर काउंट डाउन और प्लुरल काउंट नाउन और अनकाउंट नाउन क्या है नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वट इज द मीनिंग ऑफ ए काउंट डाउन नाउल ट्राई टू लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली

तो आपने काउंट किया वो फोन के आगे आपने नंबर का इस्तेमाल करके उसको आप काउंट कर सकते हो तो इसका मतलब फोन इज अ काउंट नाउन फोन इज अ सिंगुलर काउंट नाउन फोन्स इज अ प्लूरल काउंट नाउन वापस फोन इज अ सिंगुलर काउंट नाउन फोन्स एस लगता है आगे टू भी लग गया तो फोन्स जो है वो प्लूरल काउंट नाउन हुआ वन डॉग टू डॉग्स वन शर्ट टू शर्ट्स तो ऐसे नाउन जिनकी हम गिनती कर सकते हैं उसको हम कहेंगे count noun, और उसमें दो प्रकार count noun, दो प्रकार के होते हैं और plural count noun. उसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है आई रिपीट देर इज स्मॉल एक्सेप्शन इन दिस बहुत कम काउंटेबल नाउन है जिनका सिर्फ और सिर्फ प्लुरल ही फॉर्म होता है आई रिपीट देर आर फ्यू नाउन इन इंग्लिश जिसका सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म होता है उसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता मतलब सिंगुलर काउंट डाउन नहीं होता जैसे कि आप -E ही इस्तेमाल कर सकते हो क्लोथ नहीं कह सकते पैंट्स, ताजुब की बात है आप सब लोगों को शायद पता नहीं होगा कि एक पैंट, दो पैंट्स, टू पैंट्स ऐसा नहीं कह सकते पैंट्स जीन्स शॉर्ट्स पजामास आर दोबल तो है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही होंगे सर तो so, उसको मुझे काउंट कहना है तो क्लोथ्स को अगर मुझे काउंट करना है तो कैसे कहेंगे जैसे कि प्लूरल काउंट डाउन जो अपवाद वाले है, जो एक्सेप्शन वाले है तो उसको काउंट करना है तो कैसे करेंगे तो यहाँ पे लिखा है दिस आर विद ऑफ जैसे कि क्वालिटी वर्ड क्वान्टिटी वर्ड टू शो हाउ दे आर काउंटेड फॉर एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ पेंट्स या तो फिर टू पेयर ऑफ पेंट्स मेरे पास पांच पेयर ऑफ पेंट्स है तो मैं ऐसा कहूंगा फाइव पेयर ऑफ पेंट्स और या तो फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ मी टेल यू ये जो छोटी ये पीछे वाली जो चीज है उसको नजरअंदाज कर दो दिस इज नॉट डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट आप सिर्फ इतना याद रखो कि काउंट नाउन आर गोइंग टू बी ऑफ टू टाइप्स सिंगुलर काउंट नाउन एंड प्लूरल काउंट नाउन प्लूरल काउंट डाउन काउंट डाउन किसको कहेंगे जिसकी आगे मैं गिनती कर सकता हूँ बहुत कम नाउन ऐसे हैं इंग्लिश में जिस जो प्लूरल फॉर्म में ही है और वो काउंट डाउन है जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिए क्लोथ पैंट जींस शॉर्ट्स और पजामा तो हमारा नियम क्या था वॉट वॉज अवर रूल ए और एन कैन बी यूटिलाइज बिफोर वॉट आई वुड लाइक टू हैव फ्रॉम यू क्योंकि उसके ऊपर मैंने ये बार बार समझाया था ए और एन दे कैन बी यूटिलाइज बिफोर वॉट यस आई आंसर फ्रॉम एवरीबडी और एन कैन बी यूटिलाइज बिफोर सिंगुलर काउंट नाउन ओनली सिंगुलर काउंट नाउन ओनली और धी का इस्तेमाल किसके आगे हम कर सकते हैं इट कैन बी यूटिलाईज बिफोर सिंगुलर काउंट डाउन प्लूरल काउंट डाउन एंड अनकाउंट डाउन एज वेल इज इट नाउ क्लियर तीन चीजों का याद रखना है आपको सिंगुलर काउंट डाउन प्लूरल काउंट डाउन एंड अनकाउंट डाउन उसी के ऊपर पूरे आर्टिकल्स का यू you नो know, दारोमदार है द एंटायर आर्टिकल्स वे टू यूटिलाइज देम इज डिपेंडेंट ऑन दिस थ्री टाइप्स ओके ये हुआ आपका काउंट डाउन is it getting clear this is what the count noun is all about now i am going to explain you what is going to be uncount noun uncount noun aise nouns hai jisko aap ginti nahi kar sakte sir jaise ke that cannot be counted they have no plural form inka plural form nahi hai count noun jo hai uska plural form hai singular count noun और दूसरा मैंने बताया plural count noun. अनकाउंट noun जो है उसको हम non count भी कह सकते हो so अगर आपने अनकाउंट को कहीं पे ऐसा देखा कि वो non count इस्तेमाल हो रहा है

Uh, अपने सर को ऐसा नहीं बोलोगे कि सर गिव मी फाइव होमवर्क ऐसा नहीं कहोगे गिव मी होमवर्क अब उसमें पांच लेसन है लेसन है दस लेसन है वो बात अलग है मनी है तो मनीज नहीं हो सकता सर गिव मी मनी तो मनी का मनी ट्रांसपोर्टेशन क्लोथिंग लगेज ज्वेलरी ट्रैफिक दूसरा है अननेचुरल सब्सटेंस जैसे कि एयर आइस गिव मी फाइव आइसिसमी पांच यू कैन से फाइव क्यूब्स ऑफ आइस बट यू कैन नॉट से फाइव आइस वो गलत है वॉटर फायर वुड ब्लड हेयर गोल्ड सिल्वर वैसे ही फूड मिल्क मैं इसलिए बता रहा हूं आप देख सकते हो लेकिन आपने सुना होगा तो आपके अनकॉन्शियस माइंड अनकॉन्स सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बाहर निकल के आएगी आपको याद रहेगा सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नो दैट्स नॉट द राइट वे आउट फिर एबस्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एडवाइज इंफॉर्मेशन टाइम फिर गेम है सारे गेम मैं सब रीड नहीं कर रहा हूँ यहाँ हॉकी, फुटबॉल चेस एंड भी है अब तो आपको पता चल गया होगा कोरोना मिसल्स, ये सारे जो है, वो है। इसके आगे नंबर नहीं लग सकता देन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जैसे कि इकोनॉमिक्स फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी बायोलॉजी हिस्ट्री स्टेटिस्टिक्स एंड फाइनली लैंग्वेज अरबिक चाइनीज स्पेनिस एंड इंग्लिश ये सारे जो नाउन है जिसकी आप गिनती नहीं कर पाते और मैं बताना चाहूंगा दिस आर नॉट द ओनली वन सो देर आर लॉट्स ऑफ देम बट आई एम ट्राइंग आई हैव ट्राइड टू कीप यू नो इट एज एज मेनी आई कैन बट पे हैप बाई दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर काउंट डाउन प्लूरल काउंट डाउन एंड अनकाउंट डाउन इज इट क्लियर और नॉट यस और नो

अगेन वो रूल तो लगेगा ही कि एन है ए ई आई ओ यू एवेल है तो उसके आगे एन लगेगा वॉवेल साउंड और कॉन्सनेट साउंड है तो उसके आगे ए लगेगा लेकिन आप देख सकते हो योर राइट हैंड साइड ऑल आर अनकाउंटेबल नाउंस तो उसके आगे न ए लगेगा न एन लगेगा जस्ट हैव अ लुक एट दिस आई एम गोइंग टू गिव यू फिफ्टीन सेकंड फॉर दिस ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए जस्ट गो थ्रू इट Okay, is it clear everybody? Have you understood the basic concept now? I want everybody to understand. ऐसे नहीं करना है कि कर दिया आपने ऐसे समझना है For example, that you need to understand की इसका कैसे मैं राइटिंग करता हूं तो आईल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस वन आई डूइंग द राइटिंग सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस क्लियर हो गया सो हू इज गोइंट टू टेल मी एक रिविजन थोड़ा सा रिविजन करते going to speak? मैंने क्या समझाया अभी तक वी आर going टू गो go further, बट आई want यू टू एक्सप्लेन मी मैंने दो चीजें समझाई लेट मी हैव अ स्मॉल रिकैप बिकॉज़ आई कैन सी दैट यू नो वन और टू स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग यस नूपुर कैन डू इट चलिए नूपुर लेट मी गिव यू अ चांस टू स्पीक या नूपुर टेल मी नाउ गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग टेल मी नाउ सो आई हैव Taught you two things नंबर वन यस यूज ऑफ ए एंड एन ओके तो ए का इस मतलब Yes, we got to know about two articles right now. That is A and N. Hmm. Uh, we can use A uh, uh, before a consonant sound Very of good. a hmm. singular noun. Ha, a and or we a can don't know. Use N? Sorry, sorry to bother you, Nupur. A and N both are only yes. to be utilized before singular count noun only. Yes. Got? Okay, then go ahead. Yes. And secondly, we can use N. And before the con uh, vowel, vowel sound, noun sound, now, sound that is a e, i o and u. Very good. So there are two a. yeah, a e i o and u. So, first rule I taught is a should be utilized before consonant sound. इज बिफोर वॉवल साउंड पहला रूल था दूसरा रूल ऐसा था कि ए और एन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिंगलर काउंट नाउन के आगे ही होगा एंड इसके बाद मैंने ये भी आपको समझाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिकॉज आपको ये तो पता चलना चाहिए ना कि काउंट डाउन किसको कहेंगे प्लुरल काउंट डाउन सिंगलर काउंट डाउन एंड अनकाउंट डाउन इज इट गेटिंग क्लियर नाउ स्टूडेंट श्योर थैंक यू नोप थैंक यू सो मच थैंक यू Okay, now the rule number three, let us see, rule number three, I want you people to identify the mistake over here. Let me see how many of you got the answers correct. I want everybody to identify the mistake. And let me tell you, we are not only going to do articles, we are also going to take a very important session on essay. So please don't go away. Okay, I want you people to just go through this. How many of them are wrong over here? Check it out. Comfortable now. Okay, so I hope you've gone through it. Let me see now. Let me see how many of you got this correct.

very nice now i am going to go further आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे. rule number 3 बहुत important है. rule number 3 use a or an to talk about a person or thing unknown to your listener i repeat use a or an to talk about a person or thing unknown to your listener a or an ka istemal tab karoge jab aap kisi ke bare mein bolte ho jo listener janta nahi hai for example let me give you a small example और धी का इस्तेमाल कब करोगे जब कोई जो आप लिस्टनर मतलब आपको जो सुनता है वो उसके बारे में जानता है तो मुझे इस्तेमाल करेंगे पहले लेटर्स ट्राई टू टेक द फर्स्ट एग्जांपल। माय सिस्टर लैपटॉप आई रिपीट माय सिस्टर लैपटॉप द पीसी इज क्वाइट ओल्ड बट द लैपटॉप इज ब्रांड न्यू आई वांट समबडी टू एक्सप्लेन मी दिस कोई मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा वाई मैंने ए का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे पहले वाले में ए का इस्तेमाल किया है और दूसरे वाले में डी का इस्तेमाल किया है सो समबड़ी नीड टू एक्सप्लेन यस लेट मी गिव जल्दी या कैन यू एक्सप्लेन लेट मी एक्सप्लेन यू या लेट मी गिव चांस टू जल्दी वाई हैव यूटिलाइज या जल्दी एक्सप्लेन हेलो सर एम आई ऑडिबल

पीसी लैपटॉप मतलब तब वो पीसी और लैपटॉप के बारे में जानती नहीं थी बिल्कुल गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए तो मैंने पहली बार इस्तेमाल किया अरे कि पास एक पीसी तो दूसरी बार एक बार उसको पता नहीं था तो पहली बार मैंने अ का इस्तेमाल किया नाव सी नोज आईव गोटीसी लैपटॉप देन इफ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट पीसी का इस्तेमाल करता हूं दी पीसी इज क्वाइट ओल्ड बट दैपटॉप इज ब्रांड न्यू

I planted. I want you people to go through this. और मुझे बताइए fill in the gaps में पहले वाले में क्या आएगा और दूसरे वाले में क्या आएगा? चलिए. Yes, who is going to speak? I want I like, am going to give chance to others. कौन try करेगा? Who is going to speak? Surebi, would you like to speak? Yeah, Pruthvi. Anybody? Who is going to speak? Pruthvi, would you like to speak? Okay. चलिए हैव नॉट दैट मच ऑफ टाइम ओके तो यहाँ पे देखिए यहां पे गौर से देखिए आई प्लांटेड जो ट्री मैं पहली बार इस्तेमाल करता हूं माई गार्डन लास्ट ईयर तो पहली बार मैंने क्योंकि जो लिसनर था उसको पता नहीं था तो फर्स्ट टाइम आई एम अबाउट अ ट्री आई सेड आई प्लांटेड अ ट्री इन गार्डन लास्ट ईयर अब मैं उसी ट्री के बारे में बोल रहा हूँ बट आई एम यूटिलाइजिंग इट फॉर द सेकंड टाइम द टाइमर इज एज एक्टली नोन वट आई एम ट्राइंग टू से तो ऐसा आएगा द ट्री हैज नाउ तो पहली दूसरी बार दी का इस्तेमाल होता है फिर दूसरा है आई प्लांटेड जरूर नहीं कि मैंने एक ही ट्री प्लांट किया है अगर मैं ऐसा भी कह सकता हूं आई प्लांटेड फोर ट्रीज इन माई गार्डन लास्ट ईयर अब ये सारे के सारे ट्रीज अब वो लिस्नर जानता है कि वॉट आई मीन विच ट्रीज आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मीनस इन द सेकंड ब्लैंक आई एम यूटिलाइजिंग धी

यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया है देखिए अगर मैं कोई ऐसी चीज बात करता हूं देखिए अगर मैं आप मेरे घर पे आते हो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग इफ यू आर कमिंग टू माई हाउस और यू you नो know, आप मेरे घर पे आते हो मेरे ड्रॉइंग रूम में बैठते हो और बहुत गर्मी लग रही है आपको तो आप मतलब आपके जो गेस्ट है उसको बहुत गर्मी लग रही है तो आपको बोलेंगे विंडो ओपन कीजिए तो यहाँ पे मैंने देखिए कैन यू ओपन विंडो मैंने कैन यू ओपन अ विंडो का इस्तेमाल नहीं किया कैन यू ओपन दी विंडो का इस्तेमाल क्यों किया है कैन यू टेल मी

मैंने ऐसा नहीं कहा अ मैन इन द ग्रे सूट इज माई बॉस आई एम इन बॉस और, है, मैंने और, मनी नहीं किया, और तो वैसे भी नहीं सकता, मनी जो है सॉरी uh, uh, तो मैंने धी का इस्तेमाल किया लेकिन इन चारों एग्जाम्पल में इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू नो आई एम स्पीकिंग प्रोबेबली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम रीजन यहाँ पे निकल के आता है अगर कोई चीज

ये विंडो इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगर कोई बंदा आपके वहां पे आता है प्लीज यू नो इग्नाइट द स्टोव इग्नाइट द गैस अगर आप यू you नो know, आप आपके वहां पे कोई गेस्ट आता है और आप बोलते हो भाई जाओ अंदर जाके स्टोव को ऑन करो तो आप ऐसा नहीं प्लीज इग्नाइट अ स्टोव आप बोलोगे प्लीज इग्नाइट दिस स्टोव तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इज इट क्लियर तो ये आपका रूल था रूल नंबर 3 नाउ रूल नंबर 4 यूज ए और एन टू टॉक अबाउट नॉन स्पेसिफिक नहीं है किसी भी चीज की बात कर रहे हो या फिर लोग भी ऐसे हो तो आप अ और एन का इस्तेमाल कर सकते हो एग्जाम्पल देना चाहूंगा अगर आपको आप अपने दोस्त से मांगते हो कि यू नो यू वॉन्ट अ पेंसिल देन यू से डू यू है पेंसिल लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पेंसिल चाहिए देन यू कैन यूटिलाईज

अपार्टमेंट आपको बाय करना है अब ये अपार्टमेंट कुछ तय नहीं है कोई भी अपार्टमेंट की आप बात कर रहे हो तो हमने इस्तेमाल किया अ या एन मतलब यहाँ पे अपार्टमेंट है वोवेल साउंड है तो हमने एन का इस्तेमाल किया बट सम एज्यूम कीजिए कि आपने शायद कोई अपार्टमेंट विजिट किया है और उन सारे अपार्टमेंट में से आपको एक अपार्टमेंट जो आपने विजिट किया है वो शायद वो बहुत पसंद है इतने सारे अपार्टमेंट में तो आप उसका जिक्र करते हो बिकॉज यू आर यूर अ स्पेसिफिक अपार्टमेंट देन यू नीड टू यूटिलाइज दी आई वॉन्ट टू बाई दी अपार्टमेंट डॉक्टर हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक डॉक्टर भी डॉक्टर को तो दिखा क्या तब आपने बोला था डॉक्टर को दिखा क्या तो आपका मतलब ये था कभी कि किसी भी डॉक्टर को दिखा क्या अब आप वो डॉक्टर को दिखा के आ गए डॉक्टर ने आपकी तबियत जांच कर ली आपको भी दिया नाउ यू आर टॉकिंग पर्टिकुलर डॉक्टर तो दूसरी बार मतलब उसको स्पेसिफिक बात करते हो डिड द डॉक्टर से विजिट करके आ गए बाद में आपको उनको बोला डिड द डॉक्टर से ताजुब की बात है पहली बार आपने बोला उसी डॉक्टर डॉक्टर को दिखा क्या हो तो आपने बोला सी अ डॉक्टर वो डॉक्टर को आप दिखा के आए देन यू आर से डॉक्टर से तब आप ऐसा नहीं बोलोगे वॉट डीड अ डॉक्टर से बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डॉक्टर जिसको आपने अपना बॉडी you चेकअप know, के लिए दिखाया था सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट है इज इट क्लियर नाउ एवरीबडी रूल नंबर फोर यू नीड टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स यस और नो इज इट क्लियर ये रूल नंबर फोर था I don't understand why few people are joining late. मैंने specifically बोला था कि आज मेरा lecture होगा. It is going to start at eight. मैंने specifically ये mention किया था कि my lecture today is going to start at eight. Otherwise the lecture starts at eight thirty. But today, so why are people few people joining late? I don't understand. Why are few people joining late? These are very important things. देखिए articles पहले भी शायद हुए होंगे. लेकिन मैं जब समझाता हूं तो दिमाग में आ चला जाता है आपको पता है

जनरलाइज विद प्लूरल और अनकाउंट डाउन ये दोनों चीजों के आगे क्या नहीं लग सकता ये चीजों के आगे क्या नहीं लग सकता ओ ए और एन कैन नॉट बी यूटिलाइज वेरी गुड नियम ये कहता है कि अगर कोई चीज को आपको जनरलाइज करनी है और वो जनरलाइज चीजों में है प्लूरल और अनकाउंट नाउन तो उसके आगे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है काफी बच्चे ये ये तो जानते हैं कि आर्टिकल कहां लगाया जाए बट मेनी पीपल आर कन्फ्यूज वेयर नॉट टू यूटिलाइज यूटिलाइज द आर्टिकल्स तो ये यहां पे देखिए

All teachers and I am talking about all students. पहले ये 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 क्या है? है है, पांचवा जो रूल ये है कि अगर आप plural count noun अगर आप आप और और ध्यान से सुनिए, में generalization कर रहे हो, मतलब सबको ऐसे केस में आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है जैसे कि इन द फर्स्ट केस टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स तो आपको ये नहीं लिखना है द शुड बी फ्रेंडली टू दी ये लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल टीचर्स एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल स्टूडेंट्स डॉल्फिन आर वेरी इंटेलिजेंट मतलब मैं एक डॉल्फिन की बात नहीं कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलफिन पूरी प्रजाति की बात करता हूं तो मैं ऐसा कह रहा हूँ डॉल्फिन आर वेरी इंटेलिजेंट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल डॉलफिन तो देखिए मैं आगे धी नहीं लगाता आई डोंट एन्जॉय वॉचिंग हॉर मूवीज आई डोट लाइक वॉचिंग हॉर मूवीज मतलब पूरे हॉरर मूवीज की बात कर रहा हूं तो मैंने धी या ए धी नहीं लगाया ए और एन तो लगाने की सवाल ही नहीं पैदा होता बिकॉज आई एम टॉकउट अनकाउंट डाउन एंड प्लुरल काउंट डाउन चौथा जो है डस पेबलो लाइक कॉफी कॉफी सारी कॉफी की बात कर रहा हूं तो मैंने धी का इस्तेमाल नहीं किया एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ ये सबके लिए अच्छा है एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ ये सबके लिए अच्छा है एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है

अगर उस चीज को आप जनरलाइज फॉर्म में बोलते हो तो अंडरस्टूड और नॉट बिकॉज ये काफी लोगों को पता नहीं होगा यस और नो क्लियर हो गया श्योर ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ये शायद काफी लोगों को पता नहीं था सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दैम सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड अंडरस्टूड हो गया यस और नो ओके आगे सर अगर मुझे ऐसा बोलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है देखिए रूल नंबर यही रूल में पांचवा एक यही रूल में एक दूसरी चीज निकल के आती है जनरलाइज विथ प्लूरल्स और अनकाउंटेबल नाउन विथ नो आर्टिकल लेकिन दूसरा नियम यह है अगर आपको सिंगुलर काउंट डाउन के आगे लिखना है सबके लिए करना है जनरलाइज करना है तो आप ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हो आई रिपीट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नाउन ध्यान से सुनिए सिंगुलर काउंट डाउन प्लूरल काउंट डाउन और नाउन अगर आप कोई चीज को जनरलाइज में बोलना चाहते हो और वो वो चीज चीज जो है वो plural है, plural count noun और uncount noun है, है। और तो उसके आगे आगे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी को अगर मैं singular noun के लगाना चाहता हूँ तो ए और एन लगा सकते हो उसमें ओमिट करने की जरूरत नहीं है जैसे कि आपको याद होगा पहला सेंटेंस था टीचर शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और सुने बिकॉज ये आपको समझाना बहुत डिफिकल्ट है आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स टीचर्स और स्टूडेंट्स क्या है कौन सा टाइप का नाउन है कैन यू टेल मी टीचर्स एंड स्टूडेंट इज व्हिच टाइप ऑफ नाउन यस गाइस प्लूरल नाउन है तो ये है जनरलाइजेशन ये तो है जनरलाइजेशन तो देखिए मैंने इसके आगे दी नहीं लगाया लेकिन उसी चीज को अगर मैं सिंगुलर में जनरलाइजेशन करना चाहता हूं

डी डॉल्फिन या तो फिर अ डॉल्फिन इज ए वेरी इंटेलिजेंट एनिमल इज इट क्लियर और नॉट ये क्लियर होना बहुत जरूरी है इज इट गेटिंग क्लियर और नॉट अंडरस्टूड एवरीबडी वापिस बोलना चाहूंगा अगर जनरलाइजेशन कर रहा हूं और सिंगुलर काउंट डाउन है अगर सिंगुलर काउंट डाउन है तो उसके आगे मैं ए और एन लगा सकता हूं इज इट गेटिंग क्लियर यस अ

आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे प्रॉपर नाउंस के आगे जैसे कि किसी का नाम है उसके आगे ए एन डी नहीं लगेगा जैसे कि स्टीव लीजा सैयद प्रिया ऐसे लोग हैं जिनके आगे बिकॉज वो प्रॉपर नाउन है प्लेसेस न्यूयॉर्क जापान ऑस्ट्रेलिया मुंबई उनके आगे भी आर्टिकल नहीं लगेगा बहुत ऐसे एक्सेप्शन है जहां पे दी लगता है जैसे कि दी यूनाइटेड स्टेट्स भले ही वो कंट्री है तो आपको वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा दिस इज नॉट समथिंग जहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी दी यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम दैदरलैंड दी वेस्ट इंडीज दिमालय दी मिडल ईस्ट लैंग्वेजेस है और गेम्स है उसके आगे भी आर्टिकल्स नहीं लगेंगे जैसे कि चेस बैडमिंटन गोल्फ क्रिकेट टेनिस और लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच स्पेनिश तमिल मैंडारिन हिंदी अरबिक उसके आगे भी आर्टिकल्स नहीं लगेंगे

और ये चीज जो है लास्ट चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसे एक्सप्रेशन है जिसके आगे आर्टिकल्स नहीं लगेगा जैसे कि एट होम यू कैन नॉट से एट एट होम वर्क गो टू बेड ऐसा नहीं कहोगे आप गो टू बेड गो टू चर्च गो टू स्कूल गो टू दी कॉलेज ऐसा नहीं कहोगे आप गो टू यूनिवर्सिटी या गो टू जेल ट्रैवल बाय दी बस नहीं कहोगे आप ट्रैवल बाय बस ही कहोगे ट्रैवल बाय कार ट्रैवल बाय प्लेन ट्रैवल बाय ट्रेन एट नून एट द नून एट द नाइट ऐसा नहीं कहोगे आप और ऑन संडे मंडे Thursday, थर्सडे Saturday ये आपको याद रखना पड़ेगा no कि इनके आगे आप आर्टिकल्स नहीं लगाओगे इज इट क्लियर और नॉट आप इसका यू नो कैन सी दिस लेक्चर तो आपको पता चल जाएगा वापस इसको याद कर लो दैट दिस आर वर्ड्स बिफोर विच यू आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज एनी आर्टिकल Any questions any doubts this ends our entire article lecture i hope these things are clear to you now clear sure again article is a article is a very vast chapter students but I have tried my level best to make sure that you know I try to complete as many things as possible clear okay so let us have a small recap of what we did Thoda sa recap kar hai. Thoda sa recap first there are three types of nouns. सिंगुलर काउंट नाउन काउंटाउन और आगे लगेगा और एन वोवेल साउंड के आगे लगेगा वोवेल में आता है एड पॉइंट -E और चौथा पॉइंट साथ में ले रहा हूं मैं इन फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट If you are talking about a particular thing for the very first time, you are utilizing, you are going to utilize a or एन That means you are, if you are speaking for the things that is unknown to the listener, तो आप a और एन का इस्तेमाल करोगे लेकिन अगर वो चीज जानता है तो आप दी का इस्तेमाल करोगे फिर मैंने ये भी बताया था काफी चीजें सर सर एक्सप्लेनेटरी होती है तो आप दी का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कैन यू ओपन दी विंडो कैन यू ओपन अ विंडो नहीं बोलोगे आप फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर किसी चीज को जनरलाइजेशन करना है उसमें दो रूल है रूल नंबर वन अगर अनकाउंट नाउन है और प्लुरल है तो आपको दी लगाने की आगे जरूरत नहीं आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है जिसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको टीचर्स शुड बी गुड एट स्टूडेंट्स शायद ऐसा कुछ एग्जाम्पल था तो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों प्लुरल काउंट नाउन है

फिर की जगह का नाम है गेम्स का नाम है और ये सारे एक्सप्रेशन जिसके आगे, आगे आप आर्टिकल्स नहीं लगाओगे उससे इससे अच्छी तरह से कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ओके okay. अब आप क्या कर सकते हो यू नाउ विद यू नो नॉलेज इन योर माइंड आप आर्टिकल्स में आपके पास जो बुक्स है वगैरह जो है उसको आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा व्हाट आई मीन बाय आर्टिकल्स क्लियर Okay, now have you got time and energy to go ahead with a difficult session of ILTS? Yes or no? Okay, let us do something else. Very, very important thing. Okay, okay now this is an advanced version. Let us try to understand this. I'm going to take.

तो क्या करना चाहिए शुड आई राइट वन प्रॉब्लम और शुड आई राइट यू नो मोर प्रॉब्लम और टू प्रॉब्लम दो से ज्यादा लिखने की तो जरूरत ही नहीं है तो नियम यह कहता है कि यू कैन इवन राइट वन प्रॉब्लम एंड वन सोल्यूशन गॉड से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं अगर ऐसे में ऐसा पूछा है कि आई शुड राइट इधर गो फॉर वन प्रॉब्लम एंड वन सोल्यूशन और आई शुड राइट मल्टीपल प्रॉब्लम मतलब दो से ज्यादा प्रॉब्लम लिखने की तो जरूरत है नहीं है वो आप लिख भी नहीं पाओगे दो प्रॉब्लम्स और दो सोल्यूशन आप दोनों कर सकते हो मैं एडवाइस करूंगा आप सिर्फ एक प्रॉब्लम लिखे और सिर्फ एक सोल्यूशन लिखे तो भी चलेगा बट कभी कभार यू मे नॉट है वर्ड्स टू राइट अबाउट ओनली वन प्रॉब्लम आपके दिमाग में दो प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम में आप ज्यादा लिख नहीं पाते तो आपको ये भी तो पता है कि आपको 250 वर्ड्स भी तो लिखने हैं सो so, ऐसे केस में यू मे इवन राइट टू प्रॉब्लम्स एंड टू सॉल्यूशंस आई रिपीट इट इज एडवाइजेबल टू राइट वन प्रॉब्लम एंड वन सॉल्यूशन इट इज फाइन नथिंग टू वरी बट इफ यू बिलीव दैट यू मे नॉट बी हैविंग दैट मेनी वर्ड्स

yes who is going to speak Jaime, can you speak okay vipul vipul you can speak okay let me see if vipul can explain me yeah vipul can you explain yes yes yeah what is this uh, in in this sentence that uh, we uh, we should not write all and everybody very good uh,

You need to utilize a hedge लैंग्वेज language. Hedge language का मतलब होता है आप ऐसा नहीं कहोगे कि ये इसका सॉल्यूशन ये ही है आप ऐसा कहोगे इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है आई होप दिस इज क्लियर टू यू आप अगर देखोगे वन रीजन दिस मैंने ऐसा नहीं कहा बी इज नहीं कहा कुड बी मतलब ये हो सकता है आई थिंक इट इज पॉसिबल दैट पॉसिबल मतलब ये हो सकता है इट मे वर्क टू ट्राई आप ऐसा कहते हो ये करने से शायद काम हो सकता है

फॉर्मल uh, ऐसे करते हो मैं सब लोगों को ये कहना चाहूंगा दिस इज गोइंग टू टू बी हेल्पफुल यू नॉट ओनली फॉर बट फॉर योर एंटायर लाइफ जब आप सॉल्यूशन देते हो तब ऐसा कहोगे ये सॉल्यूशन हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपके पास आता है कोई और आपसे कुछ पूछता है कि आप क्या करें मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ तो आप उसको ये कहोगे आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करो आप ऐसा कहोगे कल उठके नो स्टॉक मार्केट में उसके पैसे डूब गए तो कल आपके घर पे आके खड़ा हो जाएगा आप उसको अगर ऐसा कहते हो यू कैन यू मे इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट यू मे इन्वेस्ट इन एसआईपी यू मे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स ऐसे में व्हाट यू आर ट्राइंग टू से भाई मैं आप कर सकते हो करना ना करना वो आपका है तो ऐसी जो लैंग्वेज है उसको हम कहेंगे हेज्ड लैंग्वेज इन अ फॉर्मल एकेडमिक टोन इट इज एडवाइजेबल अगर आप सॉल्यूशंस देते हो प्रॉब्लम्स भी बोलते हो तो सॉल्यूशंस में ज्यादा यू नीड टू यूटिलाइज अ हेज लैंग्वेज वो डिफर करेगा डिफाइन करेगा एक मैच्योर ऐसे में और एक किसी छोटे बच्चे ने ऐसे लिखा है उसमें से हैव यू अंडरस्टूड और नॉट यस और नो एवरीबॉडी क्लियर राइटिंग इन एडवांस ऐसे तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो अंडरस्टूड अब हम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा लेटस सी तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर्मेट फॉर अ कॉज एंड सोल्यूशन ऐसे मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूं आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो और एल्स द लेक्चर इज एंटायर गोइंग टू गेट इज ऑलरेडी गेटिंग रेकॉर्डेड सो यू कैन गेट द स्क्रीन शॉट फ्रॉम दू नो वीडियो एज वेल ये स्क्रीनशॉट है ये इस फॉर्मेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर एन ऐसे जहां पे आपको कॉजेज और सॉल्यूशन के बारे में बोलना है लिखना है ये पहला वाला नाउ द सेकंड वन इज अगर आपको प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में बोलना है देन यू कैन यूटिलाइज दिस फॉर्मेट ये फॉर्मेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि दिस डेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियस इश्यूज फेसिंग ये फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे देखिए मैंने बॉडी पेर ऑफ वन में प्रॉब्लम्स पहला इंट्रोडक्शन है इन बॉडी पेर ऑफ वन आई एम राइटिंग अबाउट प्रॉब्लम्स इन बॉडी पैराफ टू आई एम राइटिंग अबाउट प्रॉब्लम और सोल्यूशन सोल्यूशन के बारे में बोल रहा हूँ एंड फाइनली कंक्लूजन और अगर सिर्फ सॉल्यूशन देना है तो आप गौर से देखिए द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन इन बॉडी पैराफ वन आई एम राइटिंग अबाउट द फर्स्ट सॉल्यूशन वन पॉसिबल वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज एंड इन द बॉडी पैराफ 2 आई एम राइटिंग अबाउट द अनदर सॉल्यूशन एंड आल्टरनेटिव वे टू टैकल दिस इज टू सो आई एम राइटिंग अबाउट द सेकंड सॉल्यूशन फाइनली

It will be giving you a small clarity of how I, am, how I am writing this format. Despite a large number of gyms, I am going to go further. Despite a large number of gyms, a sedentary lifestyle is gaining popularity in the contemporary world. What problems are associated with this? What solutions can you suggest? Despite a large number of gyms, a sedentary lifestyle. What is the meaning of sedentary lifestyle, everybody? आपका या तो फिर ऐसा काम है जहां पे आपको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मिलती गुजराती में आप कही जीवन देट इज वॉट बी कॉलेजेंटरी Is in contemporary world. Contemporary मतलब अत्यानु, world. What इससे क्या प्रॉब्लम होंगे और क्या सोल्यूशन आप सजेस्ट करते हो ये क्वेश्चन प्रॉम जो है उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस इज अ प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे दैट मीन्स आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए

आपको ये लिखना है की लाइफ स्टाइल के, के कारण प्रॉब्लम क्या है तो ये छोटा सा जरा ध्यान रखना मेरे को बिकॉज मैंने देखा हुआ है काफी बच्चे प्रॉब्लम सोल्यूशन में कॉज सॉल्यूशन लिख के आते हैं और वाइसा वर्सा चलो तो प्रॉब्लम क्या है एक्सीडेंटल लाइफ का उससे क्या हो, आगे क्या होगा भाई पहला है वो है ओबेसिटी ओबेसिटी मतलब मोटापा होगा और दूसरा जो प्रॉब्लम problem है problems with backbone, जैसे कि वगैरह जो है वो उसके प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशन क्या है तो लिखा है प्रमोट वॉकिंग एंड विजिटिंग जिम्स एंड डूइंग योगा एंड अदर एक्सरसाइजेस

बॉडी पैराफ की बात करना तो जो बोल्ड वर्ड है ये डिस्कोर्स मार्कर्स है जो आगे का जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया उसका ही इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. ये दो प्रॉब्लम और दो सोल्यूशन है लेकिन

तो आप देखिए इसी चीज को मैंने रीफ्रेजिंग कर दिया है पैराफ्रेजिंग कर दिया देखिए गौर से देखिए दिस डेज इज बिकमिंग मोर मोर एंड पॉपुलर गेनिंग थी उसके बदले मैंने लिख दिया बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर डिस्पाइट बिग नंबर ऑफ स्पॉट फैसिलिटीज जिम के बदले मैंने कर दिया स्पॉट फैसिलिटीज बात वही रहती है मीनिंग वही निकलता है बट आई हैव चेंज द वर्ड्स अब दिस इज अ थीसिस स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों प्रॉब्लम और सोल्यूशन क्या है उसके बारे में जिक्र कर दिया है मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट में एक ही प्रॉब्लम के बारे में जिक्र किया है तो बॉडी पैराग्राफ में भी एक ही प्रॉब्लम लिखे बट इफ इन दी स्टेटमेंट इफ यू मैं टू प्रॉब्लम I would recommend that you write two problems in the body paragraph. मतलब, your thesis statement and body paragraphs should be in resonance with each other. दोनों एक दूसरे को complement करने चाहिए. एक में ज़्यादा information है और एक में कम है, तो आप marks गवा होंगे. Finally, यहाँ पे लिखा है, and these problems can be effectively tackled by an active lifestyle. तो यहाँ पे उस चीज़ का भी मैंने जिक्र कर दिया है. Now, I am going to speak about the problems. The main problems caused by inactive lifestyle are obesity. एंड वेरियस अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर वन जैसे किस इज बिकॉज पीपल बर्न फीवर कैलरीज एंड ईजिली गेन वेट वेन यू टॉक अबाउट वन प्रॉब्लम याद रखना है एक प्रॉब्लम को दो सेंटेंस तो डेडिकेट करने ही करने है

अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इट एज बीन फाउंड आउट ऑफ पीपल हैविंग नो फिजिकल एक्टिविटी एक्सपीरियंस वंस अ वीक तो आप देख सकते हो मैंने दो प्रॉब्लम के बारे में जिक्र किया है पहला कि भाई क्या हो सकता है अगर आप सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हो तो पहला प्रॉब्लम आता है ओबेसिटी और दूसरा प्रॉब्लम आता है वेरियस स्पाइन डिसऑर्डर्स यू कैन सी दैट आई हैव नॉट गिवन एग्जाम्पल इन बोथ द केसेस एग्जाम्पल ओवर हि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सो दैट इज वॉट यू नीड टू डू दैट यू डोट नीड टू राइट बट एग्जाम्पल देना तो है एक एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा एक एग्जाम्पल आप प्रॉब्लम में भी दीजिए और एक एग्जाम्पल सोल्यूशन में भी दे सकते हैं आप ओके फाइनली आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन इन माई ओपिनियन द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम मे बी टू प्रमोट एन एक्टिव लाइफ स्टाइल कैन यू टेल मी वॉट इज फर्स्ट सेंटेंस आप मुझे पढ़ के बताइए कि ये कौन सी टाइप की लैंग्वेज है

Do we need to write? Uh, I'm I'm so sorry. Okay. somebody wrote. Uh, can 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 you can you yeah? Okay, okay, okay. Okay, okay. No issues. No issues. Thank you so much. I hope you enjoyed the lecture, students. I hope you enjoyed the lecture. Very good night. Thank you so much. प्रॉब्लम के लिए अलग अलग पैराफ मत करो प्रॉब्लम तो एक ही पैराफ में होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच थैंक यू गुड नाइट